सब्सक्राइब करें ऑल यू नीड टू नो हिंदी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऑल यू नीड टू नो हिंदी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं टेक न्यूज लेकर आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर छोड़ें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज जो निकल के आ रही है वो पोको की तरफ से आ रही है। जी हाँ, पोको ने अपना इंडिया में M2 लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, आज ही वो लॉन्च हुआ है, लेकिन इसकी जो पहली सेल होने वाली है वो होगी 15 सितंबर से, और ये सिर्फ आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट पर ही। बात करते हैं इसके दो वेरियंट्स की। कंपनी ने दो वेरियंट इसमें लॉन्च किए हैं। पहला वाला जो वेरियंट है, इसमें आपको 6GB रैम प्लस 64GB इनबिल्ट मेमोरी मिलेगी, जिसकी प्राइस होगी आपकी 10,999 रुपये सिर्फ। अगर बात करते हैं दूसरे वेरियंट की दोस्तों, उसमें भी आपको 6GB रैम प्लस आपको मिलेगी 128GB इनबिल्ट मेमोरी, जिसकी आपकी प्राइस होने वाली है 12,499 रुपये। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो दोनों में सेम बैटरी मिलने वाली है हमको 5000mAh की, 5000mAh की। और साथ ही दोनों मॉडल जो हमको मिलेंगे दोस्तों, वो दोनों फुल HD स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि Redmi ने अपना स्मार्ट बैंड लॉन्च कर दिया है। Redmi का ये सबसे पहला फिटनेस स्मार्ट बैंड है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है। बात करते हैं इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन की दोस्तों, तो इसमें आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि ये आता है 14 दिन की बैटरी बैकअप के साथ, और इसमें आपको 5 ATM वाटरप्रूफ भी मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुश्किल से आपको पड़ेगा 1100 रुपए का। और इसमें बात करते हैं वॉच फेसेस की, सबसे बड़ी बात तो वॉच फेसेस, इसमें आपको 70 वॉच फेस मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मोस्टली स्मार्ट वॉच में और या बैंड्स में मुश्किल से 10 या 15 आते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने जो अपना मोबाइल है M51, उसकी लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन पर 10 सितंबर को। और ये आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा के साथ, जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, प्लस आपको 7000mAh की बैटरी बैकअप मिलेगी। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, ये जो मोबाइल M51 आने वाला है स्नैपड्रैगन 730G के साथ आने वाला है, जिसकी सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों, गेमिंग के लिए ये मोबाइल आने वाला है, गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें अल्टीमेट होने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। दोस्तों, रियलमी की जो 6 सीरीज है, उसमें उन्होंने 1000 का डिस्काउंट दे दिया, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी सारे मॉडल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने सबने 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। जिनको 6 सीरीज के मोबाइल चाहिए कम बजट में शानदार क्वालिटी के, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, 1000 आपने बचा सकते हैं। दोस्तों, पांचवी खबर जो निकल के आ रही है वो ऑनर की तरफ से आ रही है। जी हाँ, ऑनर का तो आपको पता ही होगा, ये जो कंपनी है मोबाइल्स बनाती है और आपकी वॉचेस बनाती है, लेकिन पहली बार ऑनर आपकी आ रही है दोस्तों गेमिंग लैपटॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, ऑनर गेमिंग लैपटॉप लॉन्च करने वाला है इसी महीने 16 सितंबर को। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने अभी तक लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर साइट पर कहीं पर भी नहीं डाली हैं, तो उनके बारे में नहीं बता सकता, और जैसे ही लेकिन मेरे पास खबर आएगी मैं वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगा। दोस्तों, अगली न्यूज जो निकल के आ रही है वन प्लस की तरफ से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस ने अपने नए मोबाइल जो आने वाले हैं 8 और 8T, उनकी जो डेट है लॉन्च डेट वो डिसाइड कर लिया दोस्तों। या तो ये जो मोबाइल है सितंबर के लास्ट में लॉन्च हो जाएंगे, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। दोनों ही वाली आपको मिलेंगे स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर के साथ, जो कि बहुत ही शानदार होगा गेमिंग के लिए। और दोनों ही वेरिएंट आपको मिलेंगे 8GB रैम प्लस आपका 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ। दोस्तों, अगर बात करते हैं 8T की, तो 8T आपको मिलेगा 6.5 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट भी मिलेगी। और दोस्तों, यही नहीं, इसमें आपको 60Hz से लेकर 120Hz तक का ऑप्शन मिलेगा, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो आपको इसमें 4 कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें पहला कैमरा आपका रहेगा 48 मेगापिक्सल, जो कि रहेगा प्राइमरी कैमरा। दूसरा कैमरा मिलेगा दोस्तों आपको वाइड एंगल, जो कि आपका रहेगा 16 मेगापिक्सल। तीसरा मिलेगा दोस्तों आपको माइक्रो, जो कि रहेगा 5 मेगापिक्सल। और चौथा मिलेगा दोस्तों आपको पोर्ट्रेट लेंस, जो कि रहेगा 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, अगर बात करें 8 की, तो 8 में सिर्फ आपको पोर्ट्रेट लेंस नहीं मिलेगा, बाकी के जो कैमराज है 3 आपको कैमरे इसमें मिलेंगे। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके लॉन्च के बाद, जब ये लॉन्च हो जाएगा, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 देगा दोस्तों, साथ ही साथ इसमें जो ऑक्सीजन OS होगा वो भी 11 ही होगा। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ये बात सच है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए और भी लेके आ सकूं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।